नमस्कार दोस्तों, सितंबर 2019 में एक मुखबिर की सूचना पर आरबीआई को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में एक घोटाले के बारे में सूचना मिलती है। खबर मिलती है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की मुंबई ब्रांच में एक रियल एस्टेट डेवलपर को नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर 6500 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है, 6500 करोड़ रुपए का। आरबीआई खबर सुनते ही अलर्ट हो गया। एक टीम गठित की जाती है और मामले की जांच के आदेश दिए जाते हैं। आरबीआई को जब कभी लगता है कि कोई बैंक डूबने वाला है तो वो उस बैंक के सभी पैसों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बैंक के सामान्य अकाउंट होल्डर को पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस बैंक ने ये पाबंदी 24 सितंबर 2019 को लगाई थी। अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल सकता था, वो भी सिर्फ एक दिन में, चाहे उसके अकाउंट में कितना भी पैसा हो और उसे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। आरबीआई कंफर्म कर चुका था कि बैंक में घोटाला हुआ है, लेकिन उसे ये कंफर्म नहीं था कि घोटाला कितना बड़ा है। मामला सिर्फ 6500 करोड़ रुपए का है या उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपी जाती है। ईडी को जांच सौंपते समय आपराधिक साजिश का मामला दायर कराया जाता है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक की 7 राज्यों में कुल 137 ब्रांचेज है। ऐसे बैंकों के ग्राहक निम्न और मध्यम वर्ग से आते हैं। पूरे देश की बात की जाए तो देश भर में लगभग 1000 सहकारी बैंक है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये मामला 6500 करोड़ का नहीं बल्कि 25,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। आरोपियों का नाम निकलकर सामने आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच जाती है। अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा, उसकी वाइफ, अजीत पवार के भतीजे समेत 70 से ज्यादा लोगों को मुख्य आरोपी बनाया जाता है और इन आरोपियों में ज्यादातर राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग थे। लेकिन मुख्य आरोपियों में अजीत पवार, उनकी वाइफ और उनका भतीजा और एनसीपी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम शामिल होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ अजीत पवार की। अजीत पवार कौन है जिन्होंने देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक पीएमसी बैंक घोटाले को अंजाम दिया। इस बैंक का घोटाला कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अजीत पवार इस देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं। इस वीडियो में अजीत पवार और उनके पूरे जीवन पर बात की जाएगी। जो लोग किसी नेता या पार्टी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके चमचे, गुलाम या अंधभक्त हैं, वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो से आपकी डार्लिंग भावना नाराज हो सकती है। अजीत पवार का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में। अजीत पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे हैं। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खुद अजीत पवार 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अजीत पवार 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। अजीत पवार के पिता का नाम अनंतराव पवार है। अनंतराव पवार राजकमल स्टूडियो में काम करते थे और फिल्म लाइन में थे। पिता की मृत्यु के बाद अजीत पवार ने पढ़ाई छोड़ दी और 10th क्लास के आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन मजे की बात यह है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अजीत पवार डायरेक्टर थे। अक्टूबर 2023 में ही अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अजीत पवार इस बैंक में साल 1991 से ही डायरेक्टर के पद पर विराजमान थे, सिर्फ 10th पास। अजीत पवार ने अपनी राजनीति 1982 में उस समय शुरू की जब अजीत पवार को कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्री के बोर्ड मेंबर के रूप में सिलेक्ट किया गया। कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्री में अजीत पवार को सिलेक्ट होने का कारण थे शरद पवार। इसके बाद साल 1991 में अजीत पवार को पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष चुन लिया गया। साल 1992 में अजीत पवार ने बारामती पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन लोकसभा की इस सीट को अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दिया था। बारामती की सीट से ही एमएलए का चुनाव लड़ा। 1995 से साल 2014 तक अजीत पवार इसी सीट से लगातार 5 बार विधायक बने। अजीत पवार इसी दौरान एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। कोई खास बात यह है कि अजीत पवार कई बार स्टेट मिनिस्टर रह चुके थे और पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर के पद पर भी लगातार बने रहे। अजीत पवार की वाइफ भी एक शुगर मिल में डायरेक्टर है। ये पहला मौका नहीं था जब अजीत पवार पर सहकारी बैंक में 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। इससे पहले भी अजीत पवार पर साल 2012 में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लग चुका था, जो कि सिंचाई घोटाले के नाम से जाना जाता है। सोचकर देखिए कि एक इंसान पर 25,000 करोड़ और 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है।
क्या वो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं होगा? हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस आंकड़े को कॉपी में लिख भी नहीं सकते हैं। कितनी जीरो आएंगी हमें नहीं पता है। खुद ये लोग जो इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं वो भी इतने बड़े आंकड़े को नहीं लिख पाएंगे। लेकिन कुछ लोग मिलकर देश में 70,000 करोड़ के घोटाले को आसानी से अंजाम दे देते हैं। अजीत पवार पर यह आरोप महाराष्ट्र में एक सरकारी ऑफिसर विजय पंधारे ने लगाया था। ये आरोप अजीत पवार पर उस समय लगा जब अजीत पवार जल संसाधन मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इस मामले में उस समय बहुत ज्यादा विवाद क्रिएट किया था। साल 2013 में महाराष्ट्र में कई जगह सूखा पड़ा। महाराष्ट्र सरकार लोगों तक पानी पहुंचाने में असमर्थ रही। इसके जवाब में काफी लोगों ने धरना दिया कि सरकार लोगों तक पानी नहीं पहुंचा पा रही है। जब अजीत पवार से इस मामले में सवाल किया तो अजीत पवार ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांध में पानी नहीं आ रहा है तो क्या वो पेशाब करके पानी लाएंगे? एक तो किसान सूखे से ग्रस्त थे, ऊपर से उनके मंत्री इस तरह के बयान दे रहे थे कि पेशाब करके बांध में पानी लाएंगे, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। लेकिन बाद में अजीत पवार ने माफी मांगी और मामले को रफा दफा किया। साल 2010 में अजीत पवार पर आरोप लगा कि इन्होंने पुलिस की 3 एकड़ जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेच दिया था। अजीत पवार ने इस जमीन को अपने फायदे के लिए बेचा जबकि जमीन पुलिस डिपार्टमेंट की जमीन थी। अजीत पवार पर यह आरोप किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि पूर्व IPS और मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर मीरा बोरवंकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में लगाया था। किताब में अजीत पवार का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया लेकिन कमिश्नर मीरा ने अजीत पवार को दादा कहकर इस घोटाले में मेंशन किया। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से भी जाना जाता है, ये हर किसी को पता है। किताब में और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो सीधे सीधे इशारा कर रहे थे कि बात अजीत पवार की ही हो रही है। हालांकि कमिश्नर मीरा ने इस मुद्दे को अपने समय में बहुत जोर शोर से उठाया था, पूरी ईमानदारी से उठाया था और उन्होंने उस जमीन को वापस लिया था। अजीत पवार के साथ उनका परिवार भी काफी ज्यादा विवादित और भ्रष्टाचारी लोगों में गिना जाता है। हाँ, उन भ्रष्टाचार के आरोपों को कभी भी साबित नहीं किया जा सकता, ये अलग बात है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, अजीत की वाइफ भी महाराष्ट्र के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और दबंग नेता पदम सिंह बाजीराव पाटिल की बहन है, यानी ये दोनों जीजा साले हैं। किसी जमाने में पदम सिंह को शरद पवार का सबसे खास आदमी माना जाता था। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले में अजीत पवार की पत्नी भी मुख्य आरोपी थी। अजीत पवार के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम पार्थ, छोटे बेटे का नाम जय। बड़ा बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है लेकिन हार गया था। छोटे बेटे को राजनीति का कोई शौक नहीं है। अजीत पवार के एक बड़े भाई हैं जो कि बिजनेसमैन है और एक बहन है। अजीत पवार मतदाताओं को धमकाकर वोट लेने के मामले में भी चर्चा में आ चुके थे। अजीत पवार साल 2014 में गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उनकी बहन सुप्रिया सूले, जो कि शरद पवार की बेटी है और अजीत पवार की कजन सिस्टर, उनको वोट नहीं दिया तो गांव वालों को पानी नहीं दिया जाएगा। अजीत पवार ने NCP को तोड़ा लेकिन इनके लिए ये कोई पहला मौका नहीं था कि इन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा या तोड़ने की कोशिश की। इससे पहले भी अजीत पवार NCP को तोड़ने की कई बार कोशिश कर चुके थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और हर बार शरद पवार अपने भतीजे को माफ कर देते थे। अजीत पवार शरद पवार का राइट हैंड कहा जाता था। शरद पवार के भाई और अजीत पवार के छोटे चाचा प्रताप राव पवार महाराष्ट्र में मीडिया के हाथी माने जाते हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े मीडिया हाउस में से एक सकाल ग्रुप उन्हीं का है। अजीत पवार सत्ता के इतने लालची नेता हैं कि खुलकर बयान देते हैं कि वो महाराष्ट्र के CM बनने के लिए ही राजनीति करते हैं। यानी अजीत पवार का एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का है, ना कि कोई समाज सेवा करने का। अजीत पवार ने 2019 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। अपने मुख्यमंत्री बनने की चाह में अजीत पवार ने NCP पार्टी को तोड़ा और 40 से ज्यादा MLA को एक साथ लेकर भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन भाजपा ने अजीत के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दिया, यानी उप मुख्यमंत्री पद दिया, जो कि कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। एक लॉलीपॉप की तरह इसे राजनीति में देखा जाता है। इतिहास गवाह है कि उप मुख्यमंत्री केवल उसी नेता को बनाया जाता है जो पार्टी से नाराज चल रहा हो या जिसके बागी होने के चांस हो, जो सीनियर लेवल का नेता होता है। अजीत भी उप मुख्यमंत्री है लेकिन एक लॉलीपॉप पकड़े हुए है। पहले अपनी पार्टी को तोड़ा और फिर भाजपा में शामिल हो गए लेकिन भाजपा में शामिल होते ही भाजपा ने अजीत पवार को उनकी औकात दिखाई, मुख्यमंत्री बनाने से साफ मना कर दिया और एक सबसे बड़ी शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर अजीत पवार शरद पवार को अपने साथ पार्टी में लेकर आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा
वरना नहीं। ना शरद पवार आए और ना ही अजीत पवार के सर पर सजा ताज। गांव देहात में कहावत है कि दो पैसे की मटकी जाए और कुत्ते की जात पहचानी जाए। यही हुआ अजीत पवार के साथ, लेकिन इस कहावत का अजीत पवार से कोई लेना देना नहीं है। अजीत पवार के द्वारा पार्टी तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया था कि ये वोटर के साथ में सबसे भद्दा मजाक है। वोटर वोट देता है एक पार्टी को, लेकिन वो पार्टी चुनाव के बाद दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेती है, जिससे तंग आकर जिसके विपक्ष में वोट डाला गया। ऐसे में मतदाता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो पार्टी का मालिक है, यानी शरद पवार, उनकी तरफ इशारा था, उसी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पार्टी तोड़ने वाले को पार्टी का असली सिंबल दे दिया गया। क्या ये चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोलकर साबित कर दिया था कि अजीत पवार के द्वारा पार्टी तोड़ना गलत था, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टी तोड़ने पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट का आज के समय में तोता बना होना। जब से अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी है और भाजपा ज्वाइन की है, तब से 17 मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। इन 17 मामलों में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, जो कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो भी शामिल है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले से भी उनको राहत मिल चुकी है। 1999 से साल 2009 तक सिंचाई घोटाला सामने आया था। 2012 में सामने आया कि सिंचाई के लिए बांध बनाने की योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, और ये घोटाला जो माना गया 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा, इसका सीधा आरोप लगा था अजीत पवार पर। अजीत पवार के साथ जितने भी विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से 90% पर कोई ना कोई क्रिमिनल या भ्रष्टाचार का केस चल रहा था। कुछ मंत्री थे तो कुछ नेता, और जिन पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के भी आरोप थे। लेकिन वॉशिंग मशीन में धुलकर ये सब अब पाक साफ हो चुके हैं। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशरीफ, दिलीप वालसे पाटिल, अनिल पाटिल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे। इसमें अदिति तटकरे पर कोई खुद पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनके पिता सुनील तटकरे पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। साल 2017 में उन पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एनसीपी नेता, जो कि सुनील तटकरे हैं, उनका नाम आरोप पत्र में मेंशन किया था। लेकिन अजीत पवार के साथ पार्टी तोड़ने के बाद ये सारे आरोप हटा लिए गए। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों करोड़ों उनके समर्थक है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अजीत पवार भारतीय राजनीति के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है, ये भी एक कड़वा सच है। इन आरोपों को अगले 100 साल में भी साबित नहीं किया जा सकता, ये इससे भी बड़ा कड़वा सच है। ये वही भारत है जहां एक किसान अगर 50,000 रुपए का लोन बैंक से ले लेता है और उसे नहीं चुका पाता है, तो बैंक उसके घर समेत खेत की भी कुर्की कर लेता है, या उसे किस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। और छोटे छोटे कर्ज की वजह से किसानों की आत्महत्या का मामला कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, और कहा जाता है कि बैंक वाले तो सिर्फ नियम के तहत रिकवरी करते हैं, लेकिन वो रिकवरी किसानों के लिए टॉर्चर बन जाती है। किसानों को 10-20-50 हजार रुपए के लिए आत्महत्या तक टॉर्चर करना, और ऐसे भ्रष्ट नेताओं के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया जाना कि ये एक पार्टी को समर्थन देते हैं और एक राज्य में सरकार बनवाते हैं, ये इस देश की घटिया राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, नहीं बज रहा है सबको पता है, लेकिन घंटा हम सब लोगों के दिमाग में बज रहा है, ये सच है। क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें किसका समर्थन करना है और किसका नहीं। जिन नेताओं पर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, जिनके खिलाफ किसी समय सीबीआई के पास और ईडी के पास ढेर सारे सबूत होते थे, ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने की परमिशन चुनाव आयोग आखिर देता क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।